सो गाइस, दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर मेघालय का वर्ल्ड फेमस गांव, जिसका नाम है माउलिनोंग विलेज, इसको डिस्कवरी ने एशिया का सबसे साफ गांव बोला। अब साफ गांव क्यों बोला, इतना क्लीनेस्ट विलेज का खिताब इसको क्यों मिला, ये बताएंगे हम आज के व्लॉग में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और हम हैं अभी मेघालय में माउलिनोंग विलेज में, जिसको पूरी दुनिया सबसे साफ गांव के नाम पे जानती है। और देखते हैं कि भाई ये गांव इतना साफ है भी या सिर्फ एक पीआर चल रही है या क्या चल रहा है, क्योंकि डिस्कवरी अगर किसी को क्लेम दे रहा है कि भाई ये एशिया का सबसे साफ गांव है, तो कोई हल्की बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को चेक करने हम आ गए मेघालय में। मैं हूँ पिछले 10 दिन से अपनी मेघालय की ट्रिप में, तो आज हमारा स्टॉप है माउलिनोंग विलेज, और इसके बाद हम जाने वाले हैं डाउ की, जो कि फेमस है अपनी कयाकिंग के लिए। तो वापस आते हैं इस वीडियो पे, और आज हम आपको एक टूर देने वाले हैं उस गांव का, जिसने पूरी दुनिया में इंडिया का बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ में नाम किया हुआ है। तो भाई ये कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखो पेड़ पौधे रोड्स इतने क्लीन मिलेंगे, पूरे गाँव में आपको एक भी रैपर मिलना ये मान लो लगभग इम्पॉसिबल ही है। अब खुद देखो एक भी प्लास्टिक का वो नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल चलते भी रहोगे ना दिन में, तो आपका ऐसा मन लगे पता नहीं कहाँ घूम रहे, शायद आपको मेरे पीछे ऐसा भी लगे यार कहाँ है यार, कैसी बात कर रहा है, ये इंडिया का गांव है। हाँ भाई ये गांव है, और आप सफाई देख रहे हो, आपको पत्ते वत्ते दिखेंगे, कोई भी पन्नी कोई भी कूड़ा कुछ नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। आप ये देखो किस तरीके से मार्किंग की गई है, किस तरीके से बाउंड्री की गई है, किस तरीके के फूल हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफाई है। आप ये देखो रास्ते कितने सुंदर काटे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो गाँव है, ये जितने भी शहर हैं जिन्हें मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं, दिल्ली गुड़गांव बेंगलोर, भाई उनके लिए भी एक लेसन है कि अगर वो अपने शहर को इस गांव की तरह बना देना तो क्या ही बात हो। आप ये देखो मेंटेनेंस, ये देख रहे हो किस हिसाब से इन्होंने सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, फूल वूल पेड़ गार्डनिंग कितनी बढ़िया तरीके से की है। और हाँ, अगर गांव आप सोच रहे हो, गांव सोच के सोच रहे हैं यहाँ पे लोग अनपढ़ रहते होंगे, तो भाई मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये इकलौता ऐसा गांव है, शायद मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में ही होगा, जिसमें लिटरेसी रेट 100% है। मतलब इस गाँव में हर आदमी पढ़ा लिखा ही है, कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं है, तो 100% लिटरेसी रेट है यहाँ का। तो काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, पूरी या मतलब पूरे इंडिया से कह लो या पूरे वर्ल्ड से कह लो, हर जगह से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और आप जगह जगह पे आपको क्या मिलेगा, जगह जगह पे आपको ये डस्टबिन मिल जाएंगे। तो मतलब अगर वैसे जो एक आधा आदमी वैसे कोई करता नहीं है, टूरिस्ट भी यहाँ पे आके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी कूड़ा होता है एक भी पूरे रोड पर, मतलब पूरे रोड पे आपको एक भी कूड़ा नहीं मिल सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप है कि मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो ये एक चौराहा टाइप है, जैसे बोलते हैं ना हमारे शहर में होता है एक चौराहा वो वाला चौराहा वो वाला, तो ये एक चौराहा है। अगर यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो ये यहीं पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं पूरा गांव। तो आज क्रिसमस है, तो कल रात यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्टी चल रही थी, यहाँ पे लोग नाच रहे थे, डीजे लग रहा था, और वहाँ पर एक कैफ़े मिल जाएगा आपको। नॉर्मल होम स्टे आपको 2000 से लेके 3000 के बीच मिल जाएगा, हम सैटरडे में आए थे इसलिए हमें 2500 के आसपास मिला। कहा जाए तो एग्जांपल है कि अगर करने पे आए गांव वाले, तो आपस में भी एक गांव को भी कितना बेहतरीन बना सकते हैं। 100% लिटरेसी रेट, रोड एकदम क्लीन, लाइट सिटिंग एरियाज, कूड़ा एक भी नहीं रोड पर। ये बच्चे देखो क्रिसमस की तैयारी के लिए, हेलो आज क्रिसमस है ना, तो ये तैयार होकर चर्च की तरफ जा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी, जब से मैं मेघालय में आया हूँ मैंने यहाँ एक चीज़ बहुत नोट किया है कि भाई ये लोग ना बड़ी सोशली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है, जैसे अभी हम चेरापुंजी में थे, चलो ये तो वर्ल्ड क्लीनेस्ट का इसको टैग मिला हुआ है, आप ये बोल दोगे यार इसको टैग मिला इसलिए लोग साफ़ रखते होंगे। मैंने आपको वीडियोज़ में भी दिखाया, मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देखना भाई, पूरी पूरी सोसाइटी बाहर निकल के, ये नहीं सिर्फ अपने घर के बाहर, जो बराबर में एरिया गंदा पड़ा है उसको साफ़ करने लग रहे हैं, पेड़ काटने लग रहे हैं, जो कूड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं। छोटे बच्चे से लेके 2-3 साल के बच्चे से लेके मैंने 70-80 साल की अम्मा को भी देखा है कि रोड पे चलते हुए वो सफाई कर रही हैं। और एक चीज़ और ख़ास बात देखी, जैसे चल रहे हैं रोड पे इनको कूड़ा दिख जाता है, जाते हैं कूड़ा उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। और हमारे यहाँ क्या काम है भाई, जेब में से निकालेंगे कुछ खाएँगे, डाला अपने पेट में, कूड़ा डालेंगे रोड पर। तो ये इस गाँव में नहीं होता। और भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं, मतलब मैं तो 2-4 लोगों से भी मिला हूँ, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और वो लगे मुझे। अब देखो जो दिल्ली से लोग ऐसे टूरिस्ट आते हैं ना ऐसे गांव में आके, वो बिल्कुल ही निफराम हो जाते हैं। अभी देखो मैडम मैडम लेट ही गई है बेंच पे, मतलब ऐसा इतना रिलैक्स है यहाँ की हवाओं में और हर चीज में, तो मैं रिलैक्स कर। ओहो दिखाओगे दिल्ली से आई हूँ आदमी पहचान जाएगा यहाँ की नहीं है, इसके हरकतें यहाँ की नहीं है। सो आप ये घर देख लो, बहुत सिंपल, बहुत सोबर, बहुत ही ज़्यादा साफ। एक एक चीज़ को एक चीज़ मेंटेन देखना,
एक एक चीज प्लेस्ड की गई है, ऐसे नहीं फेंक दी गई है। इवन घर के नीचे कट्टा भी देख रहे हो, वो भी एकदम प्लेस किया हुआ है, कोई चीज फैली हुई नहीं मिलेगी। ये देखो नालियां ही देख लो, नालियों तक में कूड़ा नहीं है मेरे भाई। मैंने पूरी ब्रेक दबा रखे हैं। हाँ, ये है स्काई व्यू पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। इधर जाना है? नहीं, स्काई व्यू पॉइंट इधर है। आप ये देखो कि एक एक चीज की मार्किंग यहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से कर रखी है, मतलब बिल्कुल एक बहुत ही हाई एंड कॉलोनी होती है ना, उस तरीके से गांव बना हुआ है। और अभी इसकी एक बात और मैं आपको बताऊंगा, पहले स्काई व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं। सो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं स्काई व्यू पॉइंट में, जो कि इसी गांव का ही एक हिस्सा है, और जहाँ से हमें पूरा गाँव देखने को मिलेगा, पूरा जंगल देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो सीढ़ियाँ जो जा रही हैं पेड़ों पर, तो इस पर जाकर आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू। बढ़िया सही बना रखा है पेड़ के ऊपर ना सीढ़ियाँ। नैना आ जा आराम से। ये देखो रस्सी भाई बांधा, भी रस्सी इनसे ही हुआ है, कोई प्लास्टिक प्लास्टिक से नहीं बांधा हुआ। बट हाँ भाई थोड़ा वो तो है, देख के चलना पड़ेगा। रिस्क, अरे कुछ नहीं है रिस्की, हाँ जो तो डरती बहुत है। बट हाँ यार, अब तो मेरी भी ओ नैना हिल रहा है तो वापस बच जा, आ जा आ जा आ जा, डर बस। ओए गाइस यार, बहुत ऊपर आ गए हम। ये थोड़ा बांस का ही बना हुआ है ना, ऐसे वैसे आपको देखने में सेफ लग रहा होगा, बट चलते हुए थोड़ी सी लुप लुप आती है यहाँ पे ना, ऐसा नहीं कि यूँ ही चले जाओगे, क्योंकि ऊंचा तो बहुत है भाई। ये देखो ओ तो यहाँ से भी आएगा पूरा थोड़ा सा। मैंने पूछ रही थी भैया सेफ है, कह रहा बहुत सेफ है, आप डरो मत। यार नैना ये पूरे पेड़ के ऊपर ही टिकाया हुआ है, सॉरी टहनिया। ओए हिल रहा है तो, ओ भाई ये पूरा पेड़ जैसे हवा चल रही है ना, तो पूरा पेड़ हिल रहा है, और पेड़ के साथ ये भी हिल रहा है ना। ओए ये है वो व्यू पॉइंट। पूरा गांव देखने को मिल जाता है कि कहाँ कहाँ पे है, तो वैसे पूरा जंगल में। कल हम वहाँ से आ रहे थे चिरापुंजी से, हमें नहीं पता था लास्ट के 20-25 किलोमीटर पूरे जंगल के पड़ेंगे, तो हमने टाइम भी नहीं देखा, और हम 5 बजे निकले, और वो इतना जंगल वाला एरिया था, स्कूटी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बट ये ठीक है, हाँ यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, आप देखो आसपास सारे जंगल ही है, और इसके आसपास ही ना बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। बट ये जैसे जैसे ना हवा चल रही है ना, ये हिल रहा है हवा के साथ। देख आई थिंक इट्स शेकिंग ना विद विंड, क्या। सो गाइस, जैसे जैसे हवा चल रही है ना, आप ये देख रहे हो ये पत्तियाँ हिल रही हैं, इस पत्तियों के साथ ये पुल भी हिल रहा है जिस पर हम खड़े हैं, और कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं देख लो, ये पूरा पुल इसी, ओए ये पूरा पुल इसी पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है। पेड़ पकड़ लिया। पेड़, ये जो पेड़ ये देख रहे हो ना, पेड़ जो आ रहा है इसी के ऊपर ये पूरा पुल टिकाया हुआ है यहाँ से। और जैसे जैसे यार हवा जितनी तेज़ चल रही है ना, उतनी तेज़ तेज़ जैसे जैसे हिल रहा है भाई, कसम से जैसे ही हवा चल रही है ना एकदम हिल से आ रहा है वहाँ तक। हम जहाँ रह रहे हैं लगभग पता है हम कहाँ रह रहे हैं, ये चर्च है उस वाले वहाँ के आसपास हमारा स्टे है। और भाई ये जब हिल रहा है ना, तो मैं वाकई में बता रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है, दिल में धक धक हो जा रही है। हम देखो कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, और ये पूरा उस पेड़ पे बना हुआ है, देखो पेड़ की टहनी है, ये टहनी है, इस पे इन्होंने बांध के पूरा ये पुल बनाया हुआ है। नैना आज आ गई, इसकी बहुत हिम्मत है यहाँ तक, तो डर लग रहा है जैसे जैसे हवा चल रही है। तो यहाँ से बस हमें एक व्यू देखना है कि भाई कैसा व्यू आता है। ये देख रहे हो आप वहाँ से, शायद धुंध दिख रही है, बट वहाँ पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से ना बांग्लादेश बॉर्डर इसके पार थोड़ी दूर से शुरू हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैलोंग विलेज का ये छोटा सा टूर बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं डाउकी, जो कि वर्ल्ड में फेमस है अपने उस ट्रांसपेरेंट वाटर के लिए। वहाँ पर करने वाले हम कयाकिंग और बोटिंग, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा मेघालय की इस ट्रिप के व्लॉग्स को। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।